अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे कॉस्मी लॉन क्रीम के ऊपर कि क्या ये क्रीम आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी स्किन वाले इसको बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते वरना उनके पैसे बिल्कुल फजूल जा सकते हैं। पिगमेंटेशन के लिहाज से ये क्रीम को काफी ज्यादा जो है वो अच्छा समझा जाता है, तो कितनी पिगमेंटेशन पे जो है ये वर्क करेगी, तो आपको बिल्कुल अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगी, हकीकत इसके बताऊंगी कि आपके जो है ना ताकि पैसे फजूल ना जाएं, और भी मार्केट में काफी सारी ऑप्शंस हैं, आप उनमें से कोई अगर अवेल करना चाहे तो वो भी आपको मैं वीडियो के एंड में बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, ये जो क्रीम है ये बेसिकली एक मेडिकेटेड क्रीम है। आप जब फॉर्मूला क्रीम अप्लाई कर करके अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, फिर आप जब किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वही आपकी स्किन की हालत देख के आपको ये क्रीम खरीदने को बोलते हैं कि आप ये क्रीम ट्राई कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जब फार्मूला क्रीम हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम उसको छोड़ते हैं या फिर हम अपनी स्किन की एक्स्ट्रा केयर नहीं करते तो स्किन पर बहुत ज़्यादा छाइयाँ बन जाती हैं, एक्नी आ जाती है, पोर्स का इशू हो जाता है और भी बहुत सारे स्किन के मसले हो जाते हैं। तो फिर जब वो फार्मूला क्रीम्स छोड़ी जाती हैं तो फिर जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें फिर इस तरह की क्रीम्स जो है ना वो लिख के देते हैं। कुछ को एक्नी के लिहाज से लिख के देते हैं, कुछ को पिगमेंटेशन के लिहाज से, कुछ को स्किन वाइट चाहिए होती है, कुछ को कुछ। तो अगर आप ये क्रीम बाय करना चाह रहे हैं खुद से तो फिर आप, मैं कहूंगी कि ये आप देख लें एक दफा वीडियो। ये क्रीम जो है अगर आप फॉर व्हाइटनिंग पर्पज के लिहाज से अगर बाय करना चाहते हैं कि आपकी स्किन को ये व्हाइट करेगी, ग्लोई बनाएगी, रंग आपका साफ सुथरा हो जाएगा, व्हाइट कलर चिट्टा रंग हो जाएगा आपका, तो फिर मैं ये कहूंगी कि आप ये क्रीम फिर बिल्कुल भी मत खरीदें क्योंकि व्हाइटनिंग कोई इफेक्ट आपको ये क्रीम नहीं देगी। हाँ, जब आप इसको लगाते हैं तो एक व्हाइट कास्ट छोड़ती है लेकिन आपका कलर जो है ना वो व्हाइट नहीं करती ये क्रीम। पिगमेंटेशन के लिहाज से कितनी ये अच्छी है, अगर आप इसको बाय करते हैं तो आप अगर एक महीना लगातार लगाते हैं तो आपकी पिगमेंटेशन कम नहीं होगी। अगर आप इसको 2 महीने इस्तेमाल करते हैं तो फिर 2 माह बाद आपकी पिगमेंटेशन को कुछ फर्क पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप ऑनवर्ड जैसे इस्तेमाल करते जाएंगे आपकी स्किन से पिगमेंटेशन, एक्नी के मार्क्स भी इवन के रिमूव हो जाएंगे और आपको एक क्लीन क्लियर जो है ना वो स्किन मिल जाएगी। इवन टोन स्किन बड़े अच्छे से करती है ये क्रीम और एक ग्लोई इफेक्ट भी आपको देती है। बाकी रही रिंकल्स की बात, तो रिंकल्स पे एजिंग साइंस जो होते हैं अगर आप जैसे 28 में हैं या ऐसे 29 में तो उनको फिर थोड़ा बहुत रोकने का शायद काम कर दे, लेकिन अगर आपकी स्किन पे एजिंग साइंस आ चुके हैं तो उनको तो ओबियसली डेफिनेटली कम नहीं करेगी। आप फॉर व्हाइटनिंग पर्पज के लिए खरीदना चाहते हैं तो इनकी जो मैक्सटिफ क्रीम है और एक दो और भी हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, उनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो फिर आप वो खरीद सकते हैं। आप पिगमेंटेशन की अगर बात करें तो वो क्रीम जो है वो आपकी पिगमेंटेशन को भी खत्म कर सकती हैं, ठीक है, करती हैं बल्कि। तो ये प्रोडक्ट जो है मुझे इतनी कुछ खास लगी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर आप इनकी दूसरी मेडिकेटेड क्रीम्स जो है ना वो चेक करें, जैसे इनकी मेडिकेटेड क्रीम्स के अंदर इवन टोन सी क्रीम है, इनकी वाइट फेयर एंड वाइट शायद कुछ इस तरह का नाम है, वो भी बड़ी अच्छी है। इसके अलावा मैक्सटिफ बहुत अच्छी है और भी इस तरह के इनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि जापनीज की हैं, तो क्रीम्स जो हैं उनकी सारी प्रोडक्ट्स ही का मेडिकेटेड क्रीम्स है ना, इनके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा आपको स्लो मिलते हैं, कम से कम आप जब 2 महीने पूरे इस्तेमाल करते हैं तब आपकी स्किन को कुछ पता चलता है कि नहीं मेरे ऊपर कुछ अप्लाई हो रहा है और कुछ आपको रिजल्ट्स कुछ मिलना 2 माह बाद शुरू होते हैं, ठीक है। तो अगर आप में थोड़ी सी पेशेंस है, आप थोड़ा सा सुकून रख के, इत्मीनान रख के एक अच्छी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसके लॉन्ग टर्म आपको कोई नुकसान ना हो आपकी स्किन को, तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो फिर आप कोई भी और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लस अपनी स्किन का जो है वो बेड़ा गर्क भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। टिल देन न्यू वीडियो, टेक केयर।